चलो बेटा फटाफट से पुरानी क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्लास फर्स्ट जो हमारी लगी थी उसका मैं पूरा बैकअप दे रही हूँ आपको, ठीक है? फर्स्ट क्लास का पूरा टोटली बैकअप कि हमने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, उसका मैं एक आपको फास्ट ट्रैक बैकअप दे रही हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग समझना। हमने बात करी थी कंपनी लॉ की, और अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए लॉ किसे बोलते हैं, और लॉ का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। थोड़ा सा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा वर्क करेंगे ताकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सके। एवरीबडी इज डूइंग सीएस, एवरीबडी इज स्टडिंग कंपनी लॉ, एवरीबडी इज स्टडिंग कैपिटल मार्केट, बट इफ यू वॉन्ट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सो यू नीड सम एक्स्ट्रा वर्क, येस और नो? सो आई बिलीव इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी तो सब होते, सो वी वॉन्ट टू बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो कंपनी लॉ स्टार्ट करने से पहले हमारी पढ़ाई करने का जो तरीका होगा दूसरों से अलग होगा, तभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाएंगे। हम कोई भी बात पढ़ेंगे क्या है ये जरूरी नहीं है, हमें ये भी समझना है कि ये काम क्यों है, तो क्यों से क्या पे हम पहुंचेंगे, ठीक हो रही है बात? चलिए अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉ किसे बोलते हैं। लॉ का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ किसके लिए बनाया जाता है? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। पर इस सोसाइटी को लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर लॉ नहीं होता और आप और हम सड़क पे चलते तो रेड लाइट पे अब तो एक दो मरते, रोज 100-200 मरते। वो इधर से जाता हम इधर से जाते, वो इधर से आता हम उधर से आते। बात समझ रहे हो? इट मींस ड्यू टू द लॉ सब सही दिशा से काम कर पा रहे हैं, और काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनको डायरेक्शन मिल रही है। अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता। इस समाज, इस सोसाइटी को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? कानून की, लॉ की। दूसरी बात, अगर समाज में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अनुशासन मेंटेन करना है, तो भी किसकी जरूरत पड़ती है? लॉ की। तीसरी बात, जब किसी का कोई नहीं होता तो कौन होता है? कानून। इट मींस फॉर जस्टिस। हमने कहा लॉ को बनाता कौन है? इन्होंने हमें बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने तरीके की होती है? दो, एक सेंट्रल में होती है, दूसरी स्टेट में होती है। जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट द्वारा पारित होता है वो एप्लीकेबल होता है ऑल ओवर इंडिया। जो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास किया जाता है वो एप्लीकेबल होता है पर्टिकुलर स्टेट पे। इट मींस अब यहां तो लड़ाई होने के चांसेस हो गए किस किस के बीच में, सेंट्रल और स्टेट। इसी वजह से पावर जो है, अब ये पावर कानून बनाने की कहां से आई सरकार के पास? ये पावर आई बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ मदर ऑफ ऑल लॉस। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कानून हैं, उन सबकी माता, उन सबकी जननी सिर्फ भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के अगेंस्ट जाके कोई भी कानून हिंदुस्तान के अंदर पारित नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कानून बनाने की पावर तीन पार्ट में डिवाइड करी। द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द आर्टिकल नंबर 246 इनटू थ्री लिस्ट। द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, द सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। इन केस ऑफ यूनियन लिस्ट, ऑल द मैटर्स विच आर कवर्ड अंडर यूनियन लिस्ट, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग अ पावर टू मेक देयर लॉस। जो मुद्दे, जो मैटर यूनियन लिस्ट में आएंगे उनके ऊपर कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल की है। जो मैटर्स स्टेट में आएंगे उनके ऊपर कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट की है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो उसमें दोनों तरीके की गवर्नमेंट को पावर दी है। भविष्य में अगर किसी भी गवर्नमेंट का मतभेद होता है, देन ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिवेल सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने कहा सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, सोसाइटी एट लार्ज है, इसमें बिजनेस चलता है तो बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बिजनेस लॉ, कंपनी चलती है तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी लॉ, इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल लॉ, क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ। ऐसे ही हमारे समाज को सही दिशा में चलाने के लिए लॉ की आवश्यकता होती है। जब जब अधर्म होता है तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए या तो पुराने कानून में बदलाव किया जाता है या कोई नया कानून पारित किया जाता है।
और ये करती कौन है? राजा। क्योंकि प्रजा किसकी, रक्षा किसको करनी है? तो कानून कौन पारित करवाएगा? राजा। जितनी सुरक्षित, जितनी सुनिश्चित प्रजा होगी उतनी अच्छी सरकार होगी। यस और नो? इट मींस इट इज अ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट अवर प्रजा, टू प्रोटेक्ट अवर पब्लिक। इट मींस ऑल द लॉज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट दैट इज ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग अवर पब्लिक। कोई भी कानून होता है इसका एकमात्र उद्देश्य होता है अपनी पब्लिक को प्रोटेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं। हम अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी इज एन, कंपनी जो शब्द आया वो दो शब्दों को मिला के आया, कम प्लस पनी। कम का मीनिंग होता है कमिंग टुगेदर। आओ 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 ना, जरा आओ ना। किस लिए, किस लिए आए हम? प्रॉफिट्स के लिए। तो पहले सही तरीके से कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था, लोग खाने पीने के टाइम पे मिलते थे और वहीं कुछ बिजनेस की बातचीत करते थे। इट मींस कंपनी का मतलब होता है तुम ये खाना खा रहा है लड़का, तो उधर बोल रहा है आ जाओ ना मुझे कंपनी दे दो। बोलते हैं ना ऐसे कि आ जाओ मुझे क्या दे दो, कंपनी दे दो, अकेले इतना सा खाना लाया उसमें भी कंपनी चाहिए। तो इट मींस कंपनी की डिमांड कर रहा है। तो कंपनी का मीनिंग यही होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट्स। ओके, नाउ बिजनेस करने के दो रास्ते हो सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड हो। ध्यान से समझना मेरी बात। आप जिस फील्ड में हो, आप जिस कोर्स में हो, आप अगर जॉब करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में नहीं है। मैम ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? बिकॉज यू आर स्टडिंग मल्टीपल थिंग्स विच आर यूज एट द टाइम ऑफ डूइंग बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोर्स कंप्लीट करते ही बिजनेस करो, बट आप कर सकते हो। आपके पास हर वो चीज है जो एक बिजनेस करने के लिए चाहिए होती है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज बिजनेस करने के रास्ते कितने हैं? देयर आर टू वेज, वन इज इनकॉर्पोरेटेड, अदर वन इज। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल अपनी क्लास में डिस्कस करती हूँ और उससे बहुत क्लैरिटी आती है। नाउ छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, हमारी गली के बाहर एक गोलगप्पे वाला खड़ा रहता है और उस गोलगप्पे वाले का नाम अगर आप सुनोगे तो उसका नाम है कॉमर्स गोलगप्पा। क्या नाम है? कॉमर्स गोलगप्पे वाला। और उसमें आपके जैसे चुन्नू मुन्नू चिट्टी पिट्टी सारे बच्चे जाके गोलगप्पे खाते हैं और वो बहुत फेमस है लक्ष्मी नगर के अंदर। हुआ क्या, एक दिन ये बच्चा भी गोलगप्पे खाने गया, 10 रुपए दिए, 4 देता है, एक खाया, 2 खाया, तीसरा लेने वाला था आंखें बंद करके चटकारे मार रहा था। उतनी देर में एमसीटी वाले पीछे से आए और गोलगप्पे वाला साफ, आप देखते हो ना फटाफट से सब सामान हटाते हो। अब वहां पे ये बच्चा उस गोलगप्पे वाले को ढूंढ रहा है, भैया मेरे 2 रह गए। भैया ने बोला लेना हो तो आ जा मेरे पीछे 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 दौड़ के जा रहा है, भैया मेरे 2, भैया मेरे 2, भैया मेरे 2। तो भैया क्या बोल रहा है, अगर तुझे गोलगप्पे खाने तो ऊपर से कैच कर ले और अंडे में मुंह डाल के पानी पी ले। तो इसने कहा ठीक है भैया आप जाओ। अब यही प्रॉब्लम सेम अगले दिन ये बच्चा गया, इसने फेस करी, 10 रुपए में 2 होते तो 4 है। ये गया, इसने भी फेस करी, गोलगप्पे तो अच्छे हैं लेकिन जो बिजनेस वो कर रहा है उसका तरीका अच्छा नहीं है, उससे उसके ग्राहक संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब वो दौड़ा दौड़ा ऊपर आया, ये बच्चा उसे फिर मिला, उसने कहा भैया गोलगप्पे बढ़िया बनाता है लेकिन स्थायी रूप से नहीं बनाता। अब बात क्या है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ये बच्चा उसे सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है भैया बिजनेस ना आपका अनऑर्गेनाइज्ड है, अगर आप इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर लो तो शायद आपका बिजनेस और प्रोग्रेस कर सकता है। किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वो बिजनेस हो सकता है? वो बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है कि वो अभी जो काम कर रहा है, काम किस चीज का है लेकिन फॉर्म क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर्म क्या है? अगर उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसने अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कैसे हो सकता है? दुकान किराए पे ले ली। अब दुकान अगर किराए पे लेनी है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा उसके पास नहीं है, उसके पास सिर्फ टैलेंट है। तो वो इस बच्चे के पास पहुंचा दूसरे के और इनसे कहा कि क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे? कि नहीं मैं तो नहीं बनूंगा। वो उदास हो गया। फिर वो हमारे पास आया, मैम मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा।
हमने कहा अपना कोई फ्रेंड सर्च कर, पक्का मिलेगा। अब वो अपने फ्रेंड के पास गए, उसका फ्रेंड के पास पैसा तो बहुत था लेकिन उसके पास नॉलेज टैलेंट नहीं था। उसने अपने फ्रेंड को तैयार किया कि तू मेरे साथ बिजनेस कर, जो प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो शेयर करेंगे, और उन दोनों की सहमति से एक एग्रीमेंट बना जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब वो किस फॉर्म में बिजनेस कर रहा है, फॉर्म बिजनेस किस चीज का है? पहली स्टेज पे भी बिजनेस किसका था, सेकेंड स्टेज पे भी किसका है, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। इतनी बात समझ में आई? नाउ कम टू द थर्ड स्टेज। अब उसका गोलगप्पे का व्यापार लक्ष्मी नगर नहीं, पटेल नगर, पटेल नगर नहीं, अब नॉर्थ कैंपस तक पहुंच गया है। क्या उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो उसको एक नई ब्रांच ओपन करनी है। क्या करनी है? नई ब्रांच ओपन करनी है। अगर वो न्यू ब्रांच ओपन करेगा तो क्या पैसा चाहिए नहीं चाहिए, क्या उसके लिए फंड चाहिए नहीं चाहिए, क्या बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क होता है नहीं होता है? इट मींस क्या अपने पार्टनर की सहमति लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी, क्या पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लायबिलिटी है या नहीं है? तो एक बात तो साफ हो गई है कि अब जब वो एक्सपेंशन चाहता है तो कहीं ना कहीं फंड्स की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं रिस्क भी बढ़ेगा क्योंकि पता नहीं वहां पे बिजनेस चले या ना चले। उसके पार्टनर ने हाथ खड़े करे कि भैया मैं रिस्क लेने के लिए एग्री नहीं हूं। गोलगप्पे वाला उदास हुआ, फिर हमारे पास आया। हमने उससे कहा उदास क्यों होता है, जब तक हम लोग हैं तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ही यही है। हमने उसे क्या सजेशन दिया कि अब जो तू बिजनेस कर रहा था वो किस फॉर्म में कर रहा था, पार्टनरशिप। बिजनेस किसका था, अभी भी बिजनेस किसका रखना चाहता है? आप क्या करिए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि पहले एक व्यक्ति ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम नहीं कर सकता था, एक व्यक्ति कंपनी के फॉर्म में बिजनेस नहीं कर सकता था, लेकिन लोग बदले, लोगों की सोच बदली, समाज बदला, और समाज बदला तो कानून को बदलने की भी आवश्यकता थी। After the 2013, a new concept come into the company act 2013, that is a one person company. So nowadays it is possible even a single person can do business in an organized form by incorporating a one person company. What is the main advantage of doing business in a company is limited liability. क्या risk minimize हुआ है नहीं हुआ, क्या वो अकेला business कर सकता है, क्या अब उसे अपने पार्टनर की जरूरत है, क्या बिजनेस ऑर्गेनाइज फॉर्म में हुआ है नहीं हुआ। इट मींस हम कह सकते हैं कि बिना पार्टनर के भी वो अब नॉर्थ कैंपस में ब्रांच स्टार्ट करेगा। क्या इस स्टेज पे भी उसका बिजनेस गोलगप्पों का है? पर फॉर्म क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब किस फॉर्म में काम कर रहा है, वन पर्सन कंपनी। बिजनेस निरंतर निरंतर लगातार वो क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, और अब वो दिल्ली के चारों कोनों के अंदर अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। क्या करना चाहता है, क्या उसे फंड की जरूरत होगी या नहीं होगी, क्या अब उसको बैंक के पास जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, क्या जब बैंक के पास जाएंगे तो कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, क्या जब कैपिटल ज्यादा बढ़ाएगा तो एक से अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इट मींस अब जो वो किस फॉर्म में काम कर रहा था, कंपनी फॉर्म की भी ओपीसी फॉर्म में, अब उसे अपने क्या उसका टर्नओवर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या लॉ के प्रोविजन ये कहते हैं अगर टर्नओवर बढ़ा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या कंपलसरी कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, तो बेटर है कि क्या कर लिया जाए, उस कंपनी को कन्वर्ट कर लिया जाए किसमें, प्राइवेट कंपनी। क्या आप समझ पा रहे हो? तो अब कंपनी किस फॉर्म में हो चुकी है, पर बिजनेस आज भी किस चीज का है, गोलगप्पे का। नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ डूइंग बिजनेस इज, अब उसकी सोच बड़ी हो चुकी है, पैसे कमाने की भूख बड़ी हो चुकी है, तो क्या अब उसे फिर दोबारा से स्टेप लेना पड़ेगा, अब वो बिजनेस हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में करना चाहता है, क्या फिर दोबारा से फंड की जरूरत होगी या नहीं, क्या ज्यादा पैसे चाहिए नहीं चाहिए, क्या इतना सारा फंड एक बैंक उसे सेंक्शन करेगा, क्या बैंक उस पर इतना विश्वास करेगा नहीं।
तो क्या उसे जनता जनार्दन के पास जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? क्या एक कंपनी सिर्फ वही कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है जो कि क्या है? क्या उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा? इट मींस आज के डेट में प्राइवेट कंपनी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? पब्लिक कंपनी। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ बेटा, प्लीज लिखो मत, अभी नोटिंग ले लेना। आप मुझे एक बात बताइए, क्या फर्स्ट स्टेज पे उसका बिजनेस गोलगप्पों का था या नहीं था? क्या सेकंड स्टेज पे भी गोलगप्पों का था या नहीं था? क्या थर्ड स्टेज पे भी गोलगप्पों का था या नहीं था? क्या फोर्थ में था? फिफ्थ में भी था। लेकिन फर्स्ट स्टेज, जिस स्टेज में उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसकी फॉर्म क्या थी? सेकंड स्टेज में क्या थी? थर्ड स्टेज में क्या थी? फोर्थ स्टेज में क्या थी? और लास्ट स्टेज में क्या थी? यही हम पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि किस फॉर्म में कैसे बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस चाहे कैसा भी हो, काम चाहे कुछ भी हो, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका सही होना चाहिए। यस और नो? क्या मेहनत सब करते हैं नहीं करते हैं? क्या मेहनत अगर सही दिशा में तो कामयाब होंगे नहीं होंगे? क्या हर आदमी मेहनत करके अमीर बन जाता है? लेकिन सही तरीके से सही दिशा में सही काम अगर किया जाए तो ही सक्सेसफुल होते हैं। यस और नो? क्या सारे जो बच्चे सीएस करते हैं वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते सब हैं, लेकिन सही तरीके से सही दिशा में सही मैनर में अगर वो नहीं पढ़ाई करते क्या फेल होते हैं नहीं होते हैं? क्या वो रोते हैं नहीं रोते हैं? क्या वो सीएस छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं? दैट इज द थिंग। यू जस्ट ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ। प्लीज ओपन योर माइंड एंड कम आउट फ्रॉम द बुक्स। हमें अपने आप को डेवलप करना होगा। क्लियर हो रही है बात? यहां आके हमने सीखा कि कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको यहां पे सिर्फ यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि कंपनी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बिजनेस करने के कितने रास्ते होते हैं? दो। पहला, आवाज नहीं आई। सेकंड, इनकॉर्पोरेटेड में सबसे बड़ा फायदा है मिनिमाइज रिस्क, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। क्रक्स में बोले तो सेट फॉर पिग। क्या बोलते हैं हम? सेट फॉर पिग। व्हाट डू मीन बाय एस? सेपरेट लीगल एंटिटी। ए फॉर टी फॉर पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन। आई फॉर सी फॉर कैपेसिटी टू शू एंड बी शू। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। पहली सी का मतलब मैं पढ़ाती थी 2015 से पहले, कॉमन सील। क्या था मैम? व्हाट डू मीन बाय कॉमन सील? कॉमन सील का मतलब है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। क्या मतलब है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया का बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या सरकार मोदी की है या नहीं है? क्या वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो क्या अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस कंपनी है या नहीं है? तो क्या कंपनी के कानून के अंदर चेंजेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसी तरीके से व्हाट डू मीन बाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? टू डू बिजनेस इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। यस और नो? टू डू बिजनेस इन अ इजी मैनर। एंड यू नो वेरी वेल, जितनी सरकारें आई हैं या आती थी वो कानून बनाती थी, लेकिन ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कानून खत्म करती है, कानून कम कर रही है, हर रोज कुछ ना कुछ कानून डिलीट कर रही है। इट मींस दे आर मोर सिंपल फ्लेक्सिबल। यस और नो? अगर आप चाहते हो इंडिया में बाहर के लोग बिजनेस करें, व्यापार करें, कंपनी लगाएं और मेक इन इंडिया का नारे को अगर पूरा करना चाहते हैं तो आपके जो कानून हैं वो भी यूनिफॉर्म सिंपल होने चाहिए। इसी वजह से इन द ईयर 2015 एक एक्ट आया जिसका नाम था कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसके तहत बहुत सारे स्टेप लिए गए जो कि हम नहीं कर पाए थे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, और वहां पे बहुत सारे चेंज हुए। लेकिन अगर आज की मैं बात करूं, आज के सिनेरियो की बात करूं, तो आज भी एक नया एक्ट आपके सामने है, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017। लेकिन जब मैं आज आपके साथ अगली बात बोलूंगी तो आपका मन बाग बाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जून 2018 के लिए कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 एप्लीकेबल नहीं है। बजाओ ताली।
कितने खुश हो रहे हैं। शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसे बच्चों पे। क्या आपको नया पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? क्या आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बन रहे हो नहीं बन रहे हो? क्या आप मुझे फीस दे चुके हैं नहीं दे चुके? क्या दोबारा फीस दे के अमेंडमेंट पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? तो फायदा किसका हो, मेरा या आपका? मेरा फायदा हुआ है। तो इट मीन्स सिंपल सी बात है, जून 2018 में जो एग्जाम होगा उसमें कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 नहीं आ रहा। लेकिन कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 यूट्यूब पे आपको ऑटोमेटिकली अपलोड मैं कर दूंगी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं होगा। चलिए खैर अगली बात करते हैं। मैंने क्या बोला, फीचर क्या थी? कॉमन सील। क्या थी? कॉमन सील का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। क्या मतलब होता है? मतलब जहां पे कॉमन सील एम्बोस्ट कर दी, इट मींस दैट इज ऑफिशियल साइन ऑफ कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल। लेकिन वो जो कॉमन सील लगती थी उसके लिए कम से कम दो डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी था। अब आप एक बात बताइए, जब दो डायरेक्टर प्रेजेंट ही हैं तो बेटर है वो दोनों साइन कर दें, यस और नो? क्या ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है या नहीं है? अमेंडमेंट एक्ट आया कि कॉमन सील आज की डेट में कंपलसरी नहीं है, पर मैं ये नहीं कह रही कि आप रख ही नहीं सकते। इट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर। इट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर। चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो नहीं रख सकते। क्या बिजनेस करना आसान हुआ है नहीं हुआ? क्या जितने ज्यादा कंप्लाइंसेस, जितने ज्यादा सेक्शंस होते हैं उतना ज्यादा पैनिक आदमी हर्डल्स फेस करता है नहीं करता है? बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो एक स्ट्रक्चर में और आप रेगुलेशंस भी फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर मल्टीपल रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे तो एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है और वो चाह के भी इजी फॉर्म में बिजनेस नहीं कर पाता। क्लियर हो रही है बात? तो इट मींस अगर आज के डेट में हम बात करें SATPIC, सी में कैपेसिटी टू शू एंड बी शुड कवर होता है, ठीक हो रही है बात? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत ध्यान से समझना पूरा लॉजिक कंपनी लॉ का। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, बहुत ही आराम से समझना सारे बच्चे। सपोज करो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये बिजनेस करती है जूतों का, शूज का। ये शूज का बिजनेस करती है। किसका बिजनेस करती है? शूज का। अब आप देखो ध्यान से समझना, ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बेटा लिखना नहीं कोई भी बच्चा, समझना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगी जो लिखना है। तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। इस कंपनी का जो व्यापार है वो क्या है? शूज मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? इतनी बात समझ में आई? यहां पे बहुत सारे लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये भी बिजनेस करना चाहते हैं और शूज का ही करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास फंड्स नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं सफिशियंट फंड्स। इट मींस ये डायरेक्टली तो बिजनेस नहीं कर सकते कंपनी या फैक्ट्री लगा के, तो क्या ये इनडायरेक्टली बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या ये जो कंपनी है इसे पूंजी की जरूरत है या नहीं है? क्या ये अपनी पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगी या नहीं करेगी? हम कह सकते हैं अपनी कैपिटल को छोटे छोटे चुनने चुनने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेयर्स, यस और नो? क्या अगर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और डी इसके जैसे बहुत सारे लोग इस कंपनी में कुछ हिस्सा ले लें पैसे दे के, क्या पैसे देंगे नहीं देंगे? क्या बदले में शेयर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इट मींस हम कह सकते हैं क्या इस इन पर्संस को हम शेयर होल्डर बोल सकते हैं? इट मींस जो पर्सन होल्ड करेगा शेयर उसे क्या बोलेंगे? मैं बोल सकती हूँ हिस्सेदार। क्या बोल सकते हैं? इन्होंने कहा ये लो पैसा, किसको दिया? कंपनी को। तुम इससे क्या करो? बिजनेस करो। बिजनेस करोगे तो बहुत सारे खर्चे होंगे, वो सभी खर्चे काटने के बाद अगर प्रॉफिट होगा तो इनको मिलेगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या इनके पास पेशेंस है या नहीं है? क्या ये सब्र कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? क्या हम इन्हें घर वाले बोल सकते हैं?
क्योंकि किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं फंड रेज करने के, या तो ओनर्स फंड या फिर, अंतर क्या है दोनों में? ओनर्स फंड अपने तो अपने होते हैं और बोरोड फंड में पराए लोग हैं, उनको तो फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए। आपको प्रॉफिट है या प्रॉफिट, उनको फिक्स क्या चाहिए? लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ओनर्स की, शेयर होल्डर्स की, उनको पेशेंस है। वो कह रहे हैं कि बिजनेस करो और बिजनेस करने के बाद अगर प्रॉफिट बचे तो हमें देना, प्रॉफिट ना बचे तो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन मासूमों के लिए कोई कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या ये कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या नहीं है? क्या ये खुद से इस बिजनेस को डायरेक्शन दे सकती है? ये कंपनी खुद से बिजनेस को डायरेक्शन, इट मींस इस कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए, इस कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए क्या कुछ नेचुरल पर्सन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? क्या मैं उन्हें डायरेक्टर बोल सकती हूं? इट मींस ये कौन होंगे? डायरेक्टर्स। एक बात हमें यहां पे नजर आई कि कंपनी देखा जाए तो कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो पैसा लेके आएंगे, और कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो इस पैसे से बिजनेस करेंगे। यस और नो? कंपनी तो एक मुखौटा है, कंपनी तो क्या एक, यही बात लिखी है सेक्शन नंबर 3 में। कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 3 में। और यही बात लिखी है सेक्शन नंबर 149 में। क्या लिखा है सेक्शन 3 में? सेक्शन 3 में लिखा है कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। मिनिमम मेंबर बोले तो, अगर कंपनी ओपीसी है तो कम से कम एक मेंबर, कंपनी प्राइवेट है तो दो मेंबर, कंपनी पब्लिक है तो 7 मेंबर। सेक्शन 3 में यही लिखा है। उधर से 149 दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा बिजनेस कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। पैसा आया है? हाँ आया है। क्या ये शेयर होल्डर्स डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होंगे? बताइए, क्या ये शेयर होल्डर्स डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होंगे? क्या ये बिजनेस इनडायरेक्टली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? क्या इनके पास टाइम है? क्या इस बिजनेस को डायरेक्शन कोई और दे रहा है नहीं दे रहा है जो कि डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होगा? जो कंपनी को डायरेक्शन देगा क्या उसे डायरेक्टर बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? क्या वो नेचुरल पर्सन होंगे या नहीं होंगे? पर क्यों होंगे? क्योंकि कंपनी क्या है? तो आर्टिफिशियल पर्सन को क्या आर्टिफिशियल पर्सन चला सकता है? क्या नेचुरल पर्सन की जरूरत है या नहीं है? इसीलिए वहां पे साफ लिखा है कि एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है। इंडिविजुअल एंड नेचुरल पर्सन ही क्या बन सकता है? डायरेक्टर बन सकता है। सेक्शन 149 में एक बात साफ लिखी है कि अगर कंपनी ओपीसी है कम से कम एक डायरेक्टर, कंपनी प्राइवेट है कम से कम दो डायरेक्टर, कंपनी पब्लिक है कम से कम। सेक्शन 149 लॉजिक समझ में आया? क्यों है? क्योंकि पैसा आएगा तो पैसे को डायरेक्शन देने की जरूरत भी पड़ेगी। क्लियर यू ऑल? क्लियर? आप मुझे एक बात बताइए, पैसा दिया किसने? जोर से बोलिए, पैसा दिया किसने? गया किसके पास? कंपनी कैसा पर्सन? इस पैसे को डायरेक्शन कौन दे रहे हैं? क्या ये धोखा हो सकता है नहीं हो सकता? क्या ये चीटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या फ्रॉड हो सकता है नहीं हो सकता? क्या इसको कंट्रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या ये सोसाइटी का पार्ट है या नहीं है? क्या इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कंपनी लॉ। तो किसकी गर्दन में रस्सी डाली जाए? क्या ये अपने रिलेटिव्स को फायदा दे सकते नहीं दे सकते? मैम कैसे, जरा बताना। पैसा किसका? ज्यादा खर्चा बोले तो कम प्रॉफिट। बाहर से सामान मिलता है 10 रुपए किलो, अपने रिलेटिव से कंपनी के लिए सामान खरीदा 20 रुपए किलो, क्या खर्चा बढ़ा है नहीं बढ़ा? क्या अपनों को फायदा हुआ है नहीं हुआ? क्या ऐसी चीजें कंट्रोल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं इसे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्या इस कंपनी के सामान को, प्रॉपर्टी को लूट सकता है नहीं लूट सकता? क्या मिसयूज कर सकता है नहीं कर सकता? क्या ये लोगों से झूठ बोल के इस कंपनी के ब्याज पे पैसे इकट्ठा कर सकता है नहीं कर सकता? इसे बोलते हैं फ्रॉड, सेक्शन 447। क्या बोलते हैं? जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना करने आएगा, 440, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। यस और नो? इट मींस 447 के तहत क्या होता है कि अब तो जेल में जेल की रोटी और जेल का पानी,
447 की अगर हम बात करें तो कब कब लगाया जाता है? जब जब फ्रॉड होगा तब तब क्या लगेगा? 447। क्या यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने एक बात करी कि डायरेक्टर होना चाहिए सेक्शन 149, मेंबर्स होने चाहिए सेक्शन नंबर 3। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये डायरेक्टर से कभी हिसाब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्या हिसाब बोले तो कम से कम एक साल तो काम करेंगे नहीं करेंगे? क्या साल बोले तो फाइनेंशियल ईयर होता है नहीं होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहां से होता है? फर्स्ट, खत्म कहां होता है? 31 मार्च। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि एक साल के बाद हम इनसे हिसाब लेने जाएंगे, पर क्या हर शेयर होल्डर को कॉमर्स की नॉलेज होगी? क्या हर शेयर होल्डर को बैलेंस शीट बनानी आती होगी? क्या हर शेयर होल्डर इनकी गलती पकड़ सकता है? क्या हर शेयर होल्डर इनकी चीटिंग पकड़ सकता है? क्या इनके अकाउंट चेकिंग होने चाहिए नहीं होने चाहिए? इट मीन्स हम कह सकते हैं अकाउंट बने कब तक? 31 मार्च तक। क्या उनकी चेकिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो उनकी चेकिंग करने के लिए भी कुछ समय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लो ने कहा एक काम करते हैं, हिसाब मांगने का जो दिन डिफाइन करते हैं ना, वो कम से कम नई कंपनी है तो 9 महीने का टाइम दे दो, और अगर पुरानी कंपनी है तो 6 महीने। कहां से चेक करने हैं 9 और 6? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ये समय क्यों दिया गया? ताकि इसके अंदर क्या हो सके? चेकिंग। चेकिंग करने कौन आ रहा है? ऑडिटर। इट मींस हम कह सकते हैं कि ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है किस काम के लिए? किस चीज की चेकिंग? अकाउंट्स। अब अगली बात समझिए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी मैं एक वर्ड बोल रही हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की है या नहीं है? सेक्शन में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रही, वो सेक्शंस में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा ही सेक्शन है। क्लियर होगी बात? अब अगली बात करते हैं, ऑडिट होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट बनेगी या नहीं बनेगी? क्या ये ऑडिटर, बहुत ध्यान से समझना, क्या ये ऑडिटर ये कंपनी का बोर्ड अपॉइंट कर ले? बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल बारीकी में जाते हैं, क्या इस ऑडिटर को कंपनी, क्या इस ऑडिटर को कंपनी का बोर्ड अपॉइंट कर ले? क्या मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको अपनी टेस्ट जो दिया है वो खुद से चेक करना है, क्या आप आउट ऑफ आउट दोगे नहीं दोगे? बोलोगे मैं नंबर वन हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं, पूरे में से पूरे, क्या कोई फायदा हुआ? इट मींस क्या ये ऑडिटर शेयर होल्डर की मर्जी का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या इसको अपॉइंट करने की पावर शेयर होल्डर्स के पास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पैसा किसका है, तो चेकिंग कौन करवाएंगे? तो इनका काम क्या है? अरे ये तो एम्प्लॉई हैं। क्या है ये? तो क्या ये रेम्यूनरेशन लेंगे या नहीं लेंगे? क्या ये एक्सेस रेम्यूनरेशन ले सकते हैं नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना, अगर इनके ऊपर कोई रस्सी ना हो तो क्या एक्सेस रेम्यूनरेशन ले सकते नहीं ले सकते? क्या इनको कंट्रोल करने कोई आएगा? बताइए ना, कोई सेक्शन आएगा? कौन सा सेक्शन आएगा, जल्दी बताइए। क्या सेक्शन 197, 198 की कुछ बातें होती हैं? इट मींस ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये सबको रेम्यूनरेशन देते हैं, सबका अपॉइंटमेंट करते हैं, पर इनके ऊपर भी कोई कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कंट्रोल बोले तो कंपनी एक्ट 2000। क्लियर हुई बात? अब दूसरी बात यहां पे ये आई कि ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया, अपॉइंट क्यों किया? चेकिंग करने के लिए। एक बात साफ होगी कि अपॉइंट किया है चेकिंग करने के लिए, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, क्या ये ऑडिटर भी गड़बड़ कर सकता है नहीं कर सकता? तो क्या इसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या ये ऑडिटर बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का पार्ट है या नहीं है? क्या वो आईटीओ पे पाए जाते नहीं पाए जाते? क्या वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है? क्या उनकी अपनी शान शौकत है या नहीं है? दैट इज मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए अगर ये ऑडिटर यहाँ पे कुछ गलत करेंगे तो क्या इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब होगी या नहीं होगी? इसीलिए उन्होंने ऑडिटर के ऊपर भी कंट्रोल कर रखा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोला मैंने, बात समझ में आई? नाउ अब हमने कहा शेयर होल्डर को एक पावर तो दे दी है कि भैया ऑडिटर अपॉइंट करना है, क्या अकाउंट्स की चेकिंग होगी या नहीं होगी? दूसरा काम, इट मींस हम कह सकते हैं अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। क्या बोल सकते हैं हम? अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। दो काम हो गए। क्या हर साल ये डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए नहीं होने चाहिए?
क्या डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर भी शेयर होल्डर्स के पास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा किसका है और इसको मैनेज कौन कर रहे हैं? तो हम कह सकते हैं बिजनेस किसका? शेयर होल्डर्स का। तो डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेंगे? शेयर होल्डर्स। जनरल रूल है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर किसकी है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ अलग सिचुएशंस में बोर्ड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, सीजी अपॉइंट कर सकती है, वो कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। बट जनरल रूल क्या है? पावर है। तो हम कह सकते हैं तीसरा काम डायरेक्टर अपॉइंटमेंट है। तीसरा काम क्या है? डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। इतनी बात समझ में आई? ओके। फोर्थ वर्क अगर हम देखें, आप यहां किस लिए आए हो? जल्दी जल्दी बताओ, आप यहां किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए? पढ़ना क्यों चाहते हो? कुछ बनने के लिए? सीएस क्यों बनना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए? क्या सबका उद्देश्य एक ही है या नहीं है? टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। अपना सपना? क्या ये शेयर होल्डर व्हील है? क्या इन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया नहीं लगाया? क्या इन्हें बदले में कुछ चाहिए नहीं चाहिए? क्या हम बोल सकते हैं डिविडेंड? द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर या ऑल क्लियर? तो हम कह सकते हैं भैया हिसाब दे दिया, सब कुछ कर दिया, डायरेक्टर पॉइंट हो गया, डिविडेंड विविडेंड बता दो जरा कितना देना है। तो इट मींस डिविडेंड डिक्लेरेशन। डिविडेंड साल के ऐसे चार काम बता दो जो हर साल होने ही होने हैं। क्लियर कर दो भैया, रोज रोज हमारे पास, हम वेले नहीं, हम काम करते हैं, ठीक है ना? रोज रोज हम ऐसे नहीं इधर से इधर घूमते रहेंगे, हम लोग इंस्टीट्यूट में क्लास लेते हैं और हमारी मैम एक भी छुट्टी, संडे में भी इधर पढ़ना होता है। तो हम शेयर होल्डर से आज इधर आए हैं, जरा बता दो साल के चार काम एक ही बार बता दो, एक ही दिन निपटा लेंगे। कौन कौन से काम है? हम कह सकते हैं अड्डा है नहीं है? अड्डा बोले तो अडॉप्शन ऑफ, डिक्लेरेशन ऑफ और डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्यूनरेशन। ये चार काम ऐसे हैं बेटा जो हर साल होने ही। क्या एक दिन एक तारीख तय कर ली जाए जिस दिन सब मिलेंगे, जिस दिन सब पूछेंगे कितना कमाया कितना गया, जरा इधर आ जा साइड में, यस और नो? क्या उधर ऑडिटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या उधर कुटाई फिर उन्हीं की होती है नहीं होती है? कब? जब डिससेटिस्फाइड होते हैं। कौन? शेयर होल्डर्स। इट मींस एक दिन एक तारीख तय कर लो जिस दिन सब मिल सके। तो उस दिन सभी आ रहे हैं, सभी बोले तो हम कह रहे हैं ऑडिटर भी उधर आ रहा है, डायरेक्टर भी आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और तुम लोग जाओगे नहीं जाओगे? कोने पे खड़े हो ना कंपनी सेक्रेटरी, तो सीएस भी वहां पे होंगे, शेयर होल्डर। मैं कह सकती हूँ खाली शेयर होल्डर्स ही हैं? क्या मैंने ऐसे बोला? क्या सब होंगे नहीं होंगे? क्यों सब लोग मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास है या नहीं है? हम उसे जनरल मीटिंग बोल सकते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है? और अगर साल में एक दिन मिल रहे हैं तो क्या एनुअली है या नहीं है? इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर हो रही है बात? तो एज पर सेक्शन नंबर 96 उसने क्या गलत कह दिया? बस बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। सेक्शन 96 कह रहा है, सुनो बच्चों, कि एज पर 96 हर कंपनी को हर साल एजीएम करनी है। दैट्स इट, सिंपल। क्या इसमें कुछ लॉजिक है या नहीं है? क्या लॉजिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो 96 का कहना है कि हर साल हर कंपनी को एजीएम करनी है। मैम हर साल हर कंपनी को एजीएम करनी है? हाँ। क्या एजीएम शेयर होल्डर्स की होती है नहीं होती है? क्या ओपीसी में एक ही बंदा होता है नहीं होता है? एग्जाम्पल, तो क्या वो दीवारों से मीटिंग करेगा? तो कंपनी बोले तो हर कंपनी बोले तो ओपीसी भी कवर हुई, तो क्या ओपीसी को भी इधर जनरल मीटिंग करनी होगी? क्या वो दीवारों से बोलेगा हाँ बता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए? क्या ऐसा हो सकता है? इट मींस हम कह सकते हैं कि ओपीसी को एजीएम करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और एक ही। क्लियर या ऑल क्लियर? चलिए उसी के साथ साथ हमने कहा कि हर कंपनी को हर साल क्या करनी है? एजीएम करनी है। अब अगली बात पे आ जाते हैं, क्या डायरेक्टर्स को कुछ मेजर डिसीजंस लेने होंगे नहीं लेने होंगे? क्या उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो उस मीटिंग को क्या बोर्ड मीटिंग बोल सकते हैं? क्या बोर्ड मीटिंग बोले तो सिर्फ डायरेक्टर मीटिंग होती है? क्यों कभी कोई और आ ही नहीं सकता? आ सकता है। सपोज करो हमें बोर्ड मीटिंग करनी है और उसमें कोई टेक्निकल मैटर हमें डिस्कस करना है, या कोई हमें ऐसा मैटर डिस्कस करना है जिसपे हमारी नॉलेज नहीं है, तो उस बोर्ड का पार्ट कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर्स ही उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो कोई अदर पर्सन भी प्रेजेंट हो सकता है। पर बोर्ड मीटिंग, क्या हर कंपनी में बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या बड़ी कंपनी तो कम से कम थोड़ी ज्यादा मीटिंग और छोटी कंपनी तो थोड़ी कम मीटिंग?
पर बोर्ड का मिलना तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी डिसीजन तो बोर्ड लेगा ना। एक डायरेक्टर को पावर, पावर किसके पास है? तो कोई भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है या नहीं है? क्या एक ही बोर्ड मीटिंग कर ले साल में? बताइए ना, क्या एक ही बहुत है बस? इसीलिए बिल्कुल साफ लिखा है कंपनी एक्ट में कि कंपनी को कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग हर साल। साल के मायने चेंज हो गए यहाँ पे। यहाँ पे साल का मतलब है कैलेंडर ईयर। साल का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर। साल का मतलब एजीएम भी कैलेंडर ईयर है। मतलब हर साल एजीएम होनी चाहिए। वहां पे साल का मतलब तो वही है, जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन कितने दिन में होनी चाहिए? दैट इज 6 मंथ और 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल। इट मींस मैं कह सकती हूँ एजीएम में दोनों ईयर यूज कर लिए, फाइनेंशियल भी और। लेकिन बोर्ड मीटिंग में वर्ड सिर्फ क्या यूज किया? इट मींस कंपनी को साल में कितनी मीटिंग करनी जरूरी है? 4 बोर्ड मीटिंग। बात समझ में आई? चलिए, क्या एक ओपीसी छोटी सी कंपनी वो भी 4 बार मिलेगी? इट मींस उनके लिए एग्जेम्पशन है, उनके लिए छूट है। वो हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। आज ही पूरा कंपनी लॉ अगर मैं आपको पढ़ा दूंगी तो 3 महीने में क्या करूंगी? तो इट मींस कुछ बातें समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब देखिए, इट मींस हमने कहा कि साल में एजीएम का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। क्या कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्या पैसे इकट्ठे करने के 2 रास्ते हैं या नहीं है? क्या पहला रास्ता ओनर्स फंड हम बोल सकते हैं? दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? बोरोड फंड। क्या बोरोड वाले बाहर वाले हैं या नहीं है? क्या उनके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा नहीं जाएगा? इट मींस इसका एक स्टेटमेंट होता है, बहुत ध्यान से समझना। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉफिट आया तो उसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या इसमें से सबसे पहले क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट। फिर क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर। क्या इसमें से टैक्स जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? फिर क्या बचेगा? फिर ये वाला प्रॉफिट किसमें बचता बढ़ता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में भी पहले किसको प्रीफरेंस दी जाती है? पहले किसको प्रीफरेंस दी जाती है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर। बचता है तो किसको मिलता है? इक्विटी। यस और नो? अगर हम यहां पे देखें तो जब हमें डिसीजन लेना है एज ए कंपनी सेक्रेटरी की फंड रेज करें ओनर्स फंड में या बोरोड फंड में, तो एक एडवांटेज हमें नजर आती है। वो क्या है? टैक्स एडवांटेज। किस फॉर्म में? इन केस ऑफ बोरोड फंड। यस और नो? जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना कम। क्लियर हो रही है? तो हम कह सकते हैं कि बोरोड फंड इज अ टैक्स एडवांटेजियस। यस और नो? क्योंकि पहले जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कम क्या होगा? टैक्स होगा। क्लियर या ऑल क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए उसी के साथ साथ अगर हम देखें कि कंपनी बनती कैसे है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, तो सबसे पहले देखिए एक पर्सन होगा। क्या होगा? एक उसके माइंड में क्या आएगा? आइडिया। और उस आइडिया को किसमें तब्दील करेंगे? एक्चुअलिटी। एक आइडिया जो बदल दे आपकी, क्या ये एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? अब जब इसे एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो किसी फॉर्म में करेंगे, डूइंग ऑफ बिजनेस। वो फॉर्म क्या होगी? वो फॉर्म क्या होगी? क्या एक पर्सन का बर्थ होगा नहीं होगा? क्या जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है सबसे पहला काम क्या करते हैं? फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। क्या बोलते हैं इसे हम? फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। इट मींस पहला स्टेप क्या होगा? फाइनलाइजेशन ऑफ। बच्चा जैसे ही पैदा होता है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की बात होती है नहीं होती? हिस्सेदारी की। पैदा होते हिस्से बन जाते हैं ना। अकेला था ना पहले, सारी तुम्हारी थी। अब दूसरा भाई है तो 2 हिस्सों में बट गई। हो बहने तो, बहने तो 3 में हो गई। और 2 बहन और हो गई तो? मैम बहन का हिस्सा ही नहीं होता, होता है भाई। गलत फहमी मत जीना। इसलिए अगर दूसरी बात करें तो परचेज प्रॉपर्टी। तीसरी बात करें तो चलो भाई, चलो किसे बुला के लाओ? पंडित जी को बुला के लाओ भाई, पंडित जी को बुला के लाओ। बोले तो हायर प्रोफेशनल्स। हायर प्रोफेशनल्स को क्या हम बोल सकते हैं कि पंडित जी कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। क्या यहाँ पे लोग के पंडित जी की जरूरत है या नहीं है? क्या उसे हम कंपनी सेक्रेटरी बोल सकते हैं? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल सकते हैं? मैम दिल में दर्द हुआ, बोल सकते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं, कोस्टल मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं, और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में होना जरूरी है। तो कौन से वाले पंडित जी को लाएंगे? जो प्रैक्टिस में है, जो किस में? प्रैक्टिस में। तो क्या हायर करेंगे? प्रोफेशनल्स। नाउ अब पंडित जी आए तो चाय पी के काम स्टार्ट करेंगे क्या? जन्म कुंडली बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमओए बोले तो मेमोरेंडम ऑफ। और क्या बनेगा? क्या ये जन्म कुंडली उनके माता पिता को सौंप दी जाए, नहीं सौंप दी जाए? क्या कंपनी के भी कोई माता पिता होते हैं? क्या उसको हम आरओसी बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव। इट मींस ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने किसके पास जाएंगे? क्या माता पिता डिफाइन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या डिफाइन होते हैं, नहीं होते हैं? इट मींस जिस एरिया में आपकी कंपनी सिचुएटेड है उसी एरिया के आरओसी के पास जाना है, उसी स्टेट के आरओसी के पास। क्या हमारे पास इतना समय कि हम पैदल चल के जाएं? क्या लोग चेंज हुए, नहीं हुए? क्या लोगों की सोच चेंज हुई है, नहीं हुई? क्या समाज चेंज हुआ है, नहीं हुआ? तो क्या हमारा प्रोसेस भी चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या अभी भी लाइन में लगना पड़ेगा? इट मींस ये सारे काम कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉनिकली। नो नीड टू गो फॉर फिजिकल इन द आरओसी ऑफिस, जस्ट टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली 24x7 बोले तो हम किसी भी टाइम फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बट आज की डेट में कोई ऑप्शन भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। सारे कागजात किस फॉर्म में जाते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ी होगी, नहीं बढ़ी होगी? क्या फ्रॉड कम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा? क्या घूस लेने का सिस्टम भी कम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? तो इसीलिए आज की डेट में डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, और ये तो बहुत पहले आ गया था। कंपनी बनाने के लिए सभी कागजात किस फॉर्म में जमा करने पड़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, चलिए कागज जमा करें। तो अब आएगा, आजा आजा आजा, क्या आएगा? बड़े दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। ये देखो, ये क्या आया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर डेट मेंशन होगी, जो भी पर्टिकुलर डेट है, एक्स वाई जेड जो भी डेट है, उस डेट से कंपनी का क्या हो जाएगा? बर्थ। कंपनी का क्या होगा? इट मींस कंपनी पिक्चर में आ चुकी है। तो क्या हम उसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कंपनी का बर्थ लॉ से हुआ है, नहीं हुआ है? तो क्या कंपनी की डेथ भी लॉ से होगी या नहीं होगी? इट मींस किसी भी नेचुरल पर्सन के आने से, किसी भी नेचुरल पर्सन के जाने से, किसी भी नेचुरल पर्सन के जीने से, किसी भी नेचुरल पर्सन के मरने से कंपनी की सेहत पे कोई असर? क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? आवाज नहीं आई। कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? तो डेथ भी कैसे होगी? क्लियर हुई बात? नाउ अब अगली हम बात करें, ये पर्सन, ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है, ये आदमी जो है, इसका क्या होगा? इसने इतनी मेहनत करी, कंपनी बनाई, कंपनी को प्रमोट किया, क्या इसको कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कंपनी लोने का दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो, इसे कुछ भी दो, रेम्यूनरेशन दो, शेयर्स डिस्काउंट पे दो, कुछ भी दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो सब चीजें क्या होनी चाहिए? डिस्क्लोज। क्या होनी चाहिए? इट मींस पर्सन को बोला जाता है प्रमोटर, इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? और ये जो सारे स्टेप्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसे हम? प्रमोशन। जिस पर्सन के माइंड में आया उस व्यक्ति का नाम क्या है, और ये स्टेप्स क्या होते हैं? प्रमोशन। इतनी बात क्लियर हुई? इट मींस प्रमोटर कुछ भी ले सकता है, लेने के लिए मना, कंपनी लोने किसके लिए मना किया? कि भैया सीक्रेट प्रॉफिट नहीं लिया। अब सुनिए ध्यान से, सीक्रेट बोले तो किसे बोलते हैं? बिना बताए तो बताना किसको है? बोर्ड के सामने डिस्क्लोजर देना है, बोर्ड के सामने डिस्क्लोजर देना है, और नहीं दिया तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वो क्या माना जाएगा? सीक्रेट प्रॉफिट। तो इस टाइम कंपनी एक गाना गाएगी, कौन सा गाना गाएगी बेटा, बता सकते हो? मैं मुझे क्या, जब तक है जान तब तक है जान, ऐसे गाने नहीं। सुनिए ध्यान से, कौन सा गाना गाएगी? ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, प्रमोटर मेरा प्रॉफिट ले गया। क्या यहाँ पे अन्याय हुआ है, नहीं हुआ है? क्या यहाँ पे कंपनी के राइट अफेक्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं? क्या कंपनी को रेमेडी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स। और जब किसी का कोई नहीं होता तो कौन होता है, बताइए जल्दी से? लॉ। इट मींस रेमेडीज कहाँ पे अवेलेबल होंगी? लॉस में। दैट्स इट, वेरी सिंपल।